बच्चों सभी को गुड मॉर्निंग. प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक एट पेज नंबर 32. पेज नंबर 32 पर बच्चों जो लेसन है जिसका नाम क्या है, विवेकानंदा द ग्रेट जर्नी टू द वेस्ट, यानी विवेकानंद की पश्चिमी जगत में महान यात्रा. क्लियर है? दिस चैप्टर आई वॉज टीचिंग यू, ये चैप्टर पढ़ा रहा था मैं आपको, विवेकानंदा. The great journey to the west. ठीक है बच्चों, this is the name of the lesson. ये lesson का नाम है विवेकानंद the great journey to the west. और बच्चों जो इसके जो writer वगैरह उनके नाम आपको याद रहना चाहिए. ठीक है ना, ये जरूर ध्यान दें आप कि ये जो लेसन है इस लेसन को लिखा किसने है, ये आपको पता होना चाहिए. रोमैन रोलैंड है जिन्होंने इसको लिखा है. ठीक है, और जिस किताब में से इस पार्ट को लिया गया उसका नाम क्या है, लाइफ ऑफ विवेकानंदा. यानी एक्चुअली क्या है कि ये जो रोमैन रोलैंड बौद्ध हैं, इन्होंने रोमैन रोलैंड जो है इन्होंने किताब लिखी है. जरा ध्यान दो, यहाँ लिखता हूँ आपको साफ साफ, रोमैन. क्लियर, रोमैन रोलैंड आपकी टेक्स्ट बुक में भी लिखा हुआ है. तो रोमैन रोलैंड ने एक किताब लिखी है जिसका नाम क्या है, लाइफ ऑफ विवेकानंदा, माने विवेकानंद की जीवनी या विवेकानंद का जीवन. उस किताब का ये अंश है, दिस चैप्टर इज नथिंग बट इट इज ओनली एन एक्सट्रैक्ट और दिस इज ओनली अ फ्रैक्शन दैट इज बीन टेकन फ्रॉम द बुक द लाइफ ऑफ विवेकानंदा विच वॉज रिटन बाई रोमैन रोलैंड. रोमैन रोलैंड के द्वारा रचित विवेकानंद का जीवन नामक पुस्तक में से ये अंश उद्धृत है, जिसका एक पैराग्राफ बच्चों आपको मैं पढ़ा चुका हूँ. एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द सेकेंड पैराग्राफ. क्लियर है बच्चों, दूसरा पैराग्राफ है देखो. ही लेफ्ट बॉम्बे, उन्होंने बम्बई से प्रस्थान किया. बॉम्बे को मुंबई कहते हैं, पहले इसका नाम बॉम्बे था, हम हिंदी में इसको बम्बई कहते हैं. बॉम्बे बम्बई, और कई शब्द ऐसे होते हैं बच्चों जिनको अपन यूं कहीं कर देते हैं. जरा मैं आपको थोड़ी जानकारी दे दूँ, बोर्ड की तरफ देखना. सेंट, हिंदी में कुछ नहीं कहेंगे, ये कह दिया संत. कुछ नहीं किया हमने, थोड़ा सा ही तो चेंज किया है. और दूसरा शब्द देखना, ये बच्चों टेचनीच नहीं होता, टेचनिक नहीं, इसको क्या बोलना पड़ेगा, टेक्निक. टेक्निक का मतलब क्या होता है जरा हिंदी में देखो, कुछ नहीं किया हमने, ये तय क नी के. क्लियर हो गया. उसी तरीके एक शब्द और देखो, अकेडमी. ये जो बच्चों अकेडमी शब्द है इसको हिंदी में हमने क्या किया जरा बताना, इसको हमने कर दिया ए का द मी. कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अंग्रेजी और हिंदी में एक जैसे होते हैं. अब बच्चों जैसे एक शब्द है शेकल, शेकल का मतलब क्या होता है, हिंदी में कहते हैं इसको शांकल. शांकल से अपन किसी को बांधते हैं, वैसे तद्भव शब्द है और इसका तत्सम पूछा जाए तो होता है जरा बताऊं श्रृंखला. ये श्रृंखला शब्द जो होता है ना जो कोई बेल वगैरह होती है जिससे अपन भैंस वगैरह को बांध देते हैं, दैट इज शकल. ओके, तो ये शकल है. उसी तरीके से एक शब्द देखो बच्चों पी ए टी एच, इसको हिंदी में कहेंगे हम पथ और अंग्रेजी में कहेंगे पाथ. ठीक है, उसी तरीके से एक शब्द है लूटर, एल डबल ओ टी ई आर, तो इसको हिंदी में आपको ये लूटेरा. तो बताओ मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं. तो सब ऐसे नहीं होते, बट देर आर सो मेनी वर्ड्स, बट आपको ऐसे बहुत सारे शब्द मिलेंगे जो अंग्रेजी और हिंदी में एक जैसे होते हैं. जैसे मैंने आपको बॉम्बे कहा तो बॉम्बे को हमने क्या बना दिया, बॉम्बे को बम्बई बना दिया. बॉम्बे को हमने बम्बई बना दिया तो कहाँ चेंज किया, कोई खास चेंज नहीं है. क्लियर हो गया है? तो ही लेफ्ट बॉम्बे, उन्होंने बम्बई से प्रस्थान किया. ही लेफ्ट बॉम्बे अर्थात उन्होंने बम्बई से प्रस्थान किया. नाउ, अब नाउ का मतलब क्या होता है बच्चों, अब मुंबई. अब बच्चों इसको हम मुंबई के नाम से जानते हैं. देखो बच्चों पहला पार्ट जो आपने पढ़ा था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाला, उसमें एक शब्द आया था जरा ध्यान दो, अर्स्ट, सॉरी ई आर एस टी, यह अर्स्ट वाइल. इस अर्स्ट वाइल का मतलब क्या होता है, आपके लिए एक शब्द आया था कि मतलब कि अर्स्ट वाइल मद्रास चेन्नई. अर्स्ट वाइल मद्रास का मतलब यह है कि चेन्नई जो क्या है कि अर्स्ट वाइल मद्रास का मतलब जो भूतकाल का क्या है, मद्रास है, लेकिन अब उसको हम चेन्नई कहते हैं. तो ये जो अर्स्ट वाइल शब्द है ना बच्चों, ये नाउ के एवज में आप यूज कर सकते हो, क्योंकि जो बॉम्बे है जिसको आज हम क्या बोलते हैं,
मुंबई बोलते हैं, आज हम इसको मुंबई बोलते हैं, है ना। और लेकिन जब पहले इसको क्या बोलते थे हम, समझ गए आप। उसी तरीके से कोलकाता, तो आप जानते हैं इसको पहले कलकत्ता बोलते थे, कलकत्ता, कलकत्ता अंग्रेजी में कलकत्ता, हिंदी में कलकत्ता, और फिर अब हम बोलने लगे उसको क्या, कोलकाता। क्लियर हो गया है। तो ही लेफ्ट बॉम्बे, उन्होंने मुंबई से प्रस्थान किया, नाउ मुंबई। अब जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, मुंबई के नाम से जानते हैं, ऑन 31 मई 1893। ध्यान दो बच्चों, ही लेफ्ट बॉम्बे, उन्होंने मुंबई से प्रस्थान किया, नाउ मुंबई। अब हम उसको मुंबई कहते हैं, ऑन 31 मई 1893, यानी 18 मई 1893 को उन्होंने प्रस्थान किया। क्लियर हो गया है। अब बच्चों यहाँ देखने वाली बात क्या है, इतनी सी समझ लो, ज़्यादा नहीं। जब ऑन प्रीपोजिशन आपको पढ़ाता हूँ, तब मैं आपको ये कहता हूँ कि जब एक सरफेस दूसरी सरफेस के ऊपर हो, जब हम बैठे किसी के ऊपर टेक करके, मतलब कि समझ गए, तो क्या होता है, तो बच्चों ये होता है कि ऐसी स्थिति में आप ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हो। जैसे मैंने कहा कि दीवार पर बंदर बैठा हुआ है, तो मैं कहूँगा ए मंकी सिटिंग ऑन द वॉल, ए मंकी इज सिटिंग ऑन द वॉल, हम्प्टी डम्प्टी, ठीक है, सिटिंग ऑन द वॉल, इस प्रकार से आपने बोला। तो सिटिंग ऑन द वॉल, उसी तरीके से बच्चों मैंने आपको ये कहा कि ये किताब है, बुक, ठीक है, और बुक को मैंने कहा रख दिया, टेबल पर रख दिया है, ठीक है, तो मैं ऑन द टेबल ही तो कहूँगा। तो ये तो बच्चों फिजिकल एस्पेक्ट की बात हुई, मैंने कहा कि इसमें फिजिकल और नॉन फिजिकल दोनों चलता है, फिजिकल और नॉन फिजिकल दोनों चलता है। लेकिन जब बच्चों मैं ये कहता हूँ कि विवेकानंद ने क्या किया, जब मैंने आपको ये कहा कि विवेकानंद ने, कोई तारीख बता रहा हूँ, 31 मई 1893 को क्या किया कि उन्होंने जो है बम्बई को छोड़ा, ठीक है, बम्बई को छोड़ के चले गए वो। तो ज़रा ध्यान देना, यहाँ बच्चों हम क्या करेंगे, ऑन 31st, ठीक है, ये एस टी भी लगा दिया मैंने, ऑन 31 मई, ठीक है, ऑन 31 मई 1893। तो बच्चों ये डेट हुई कि नहीं, ये हो गई डेट, ठीक है। उसी तरीके से देखो, अब आप जानते हो कि 31 मई जो है वो क्या है बच्चों, वो एक्चुअली कोई सरफेस नहीं है, लेकिन आप ये मान के चलो कि ये टाइम का ड्यूरेशन है, ठीक है, एक तरह से टाइमलाइन है, ठीक है। अब इस टाइमलाइन के अंदर बच्चों जैसे पॉइंट होते हैं, जैसे एक डेट, जैसे 1 मई 2 मई 3 मई, तो उसी तरीके से एक पॉइंट है जिसको आप क्या बोलोगे, इस पर्टिकुलर जगह को क्या बोलोगे, 31 मई, क्या बोलोगे इसको, 31 मई। तो आप इसका भाव कुछ इस प्रकार से लगाओगे कि ये टाइमलाइन के ऊपर है, तो आप क्या कहोगे, ऑन 31 मई 1893। तो बच्चों ये फिजिकल एस्पेक्ट नहीं है, यहाँ ऑन का प्रयोग जो है नॉन फिजिकल सेंस में किया गया है। और दूसरा बताता हूँ, जैसे आई विल गो होम ऑन संडे, मैं संडे को कहाँ जाऊँगा, घर जाऊँगा। आई विल गो होम बोला बच्चों मैंने, आई विल गो टू होम नहीं बोला, सदैव ध्यान रहे कि गो टू होम गलत होता है, गो होम सही होता है। क्लियर है, ओके। और ध्यान दो बच्चों, ये क्या है, ये डे है, ओके। उसी तरीके से देखो, मैं आपको कह रहा हूँ कि ऑन दिवाली, ठीक है, ऑन होली, ठीक है। तो ये जो ऑन दिवाली ऑन होली है, तो बच्चों ये त्यौहार है, तो त्यौहारों के पहले ऑन का प्रयोग तो हम करते हैं, लेकिन एट का प्रयोग भी सही होता है, जैसे एट क्रिसमस बोलते हैं, एट दुर्गा पूजा बोलते हैं, वो भी बिल्कुल सही है, तो एट दिवाली बोला जा सकता है। क्लियर है। उसी तरीके से जरा आप ध्यान दो, तो बच्चों ये क्या है, ये एक फेस्टिवल है, क्या है, ये फेस्टिवल है। उसी तरीके से मैंने किताब के ऊपर कहा ऑन पेज 143, बच्चों में इसे एट पेज 143 भी कह सकता हूँ। इतना समझ में आ गया है, मेरा कहने का मतलब ये हुआ जी, ऑन पेज एट पेज। उसी तरीके से एक वर्ब होती है बच्चों, नॉक एट द डोर, क्या बोला मैंने, नॉक एट द डोर, दरवाजे पर दस्तक दो, और नॉक ऑन द डोर, ये भी सही है, पहली प्राथमिकता इसको देनी चाहिए परीक्षा की दृष्टि से, यहाँ बच्चों पहली प्राथमिकता इसको देनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये समझा कि ऑन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, डे से पहले, डेट से पहले, फेस्टिवल से पहले, और पेज वगैरह जो कोई विशेष है ना, कोई मतलब दूसरे सेंस में भी इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन डे एंड डेट आपको याद रखना चाहिए। क्लियर हो गया है। तो ही लेफ्ट बॉम्बे, नाउ अब उन्होंने बम्बई से प्रस्थान किया, है ना,
सॉरी ही नाउ का मतलब अब नहीं है, ही लेफ्ट बॉम्बे अर्थात उन्होंने मुंबई से प्रस्थान किया, नाउ मुंबई जो अब मुंबई के नाम से जानी जाती है, ऑन 31 मई है ना 1893 अर्थात 31 मई 1893 को उन्होंने क्या किया, 31 मई 1893 को उन्होंने प्रस्थान किया। आगे देखो, एंड वेंट बाय वे ऑफ सीलोन, और सीलोन के रास्ते से होकर गए, सीलोन दूसरा बच्चों पेनांग, सीलोन पेनांग सिंगापुर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सिंगापुर और अंग्रेजी में सिंगापुर, तो सिंगापुर से होकर गए हांगकांग, जैसे बच्चों लखनऊ अंग्रेजी में बोलते हैं लखनऊ LUCKNOW, अब हम उसको लखनऊ कह देते हैं, तो वो सीलोन से गए, वो पेनांग से गए, वो सिंगापुर से हांगकांग एंड है ना यहाँ से होकर के बच्चों वो गए, इस मार्ग से होकर के गए एंड देन विजिटेड किंटोन एंड नागासाकी, और अंत में उन्होंने किंटोन तथा नागासाकी नाम के जो जापान के शहर हैं उनको विजिट किया। आप जानते हो बच्चों हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में तो जानते हो ना, जहाँ अमेरिका ने बम विस्फोट किया था, ठीक है, तो अमेरिका ने वहाँ बम विस्फोट किया था। और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की एक बड़ी प्रसिद्ध कविता हिंदी में भी इंग्लिश में भी है, मजे की बात यह है कि वो पोएम बच्चों दोनों में है, हिंदी में भी पढ़ी है और अंग्रेजी में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर की किसी न किसी जो है उस सेमेस्टर में चलती है, हिरोशिमा। तो एक दिन नगर के बीच सहसा, एक दिन नगर के सहसा एक दिन नगर के बीचों बीच है ना, और क्या हुआ कि वो कहते हैं कि मतलब वो जो बम फूटा ना तो उसका वर्णन उन्होंने इस प्रकार से किया है, ठीक है। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है, और बच्चों यहाँ एक चीज़ ये भी देखो, ये जो सीलोन शब्द आ रहा है इस पर जरा गौर कर रहे हैं, ये सीलोन है ना, सीलोन सीलोन, इसे हम कहते हैं श्रीलंका, क्या बोलते हैं इसे, इसे श्रीलंका कहते हैं या सिंघल द्वीप भी कहते हैं, सिंघल द्वीप, इसको पुराने समय में क्या बच्चों, इसे सिंघल द्वीप कहते थे और भारत को जम्बू द्वीप कहते थे, ठीक है, जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप कहते थे भारत को, है ना। ये मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नाम की जो पुस्तक लिखी है उसके अंदर उन्होंने श्रीलंका के लिए सिंघल द्वीप और भारत के लिए जामुनों का प्रदेश, जहाँ बहुत अधिक जामुन होते हैं, यही कारण है कि भारत को जम्बू द्वीप है ना, आर्यावर्त, भरतखंड इत्यादि नामों से इसके कई पर्यायवाची शब्द हिंदुस्तान वगैरह वगैरह कहते हैं, इंडिया भी कहते हैं, क्लियर हो गया। तो ही लेफ्ट बॉम्बे, ये तो गया है। आइए देखो बच्चों, देंस का मतलब होता है फ्रॉम देयर, देंस का मतलब होता है फ्रॉम देयर अर्थात फिर वहां से, ही वेंट बाई लैंड, वो सड़क मार्ग से गए कहां पर, टू योकोहामा, फिर वहां से वो सड़क मार्ग से योकोहामा चले गए, सिकिंग ओसाका क्योटो एंड टोक्यो, जापान के ओसाका क्योटो तथा टोक्यो शहरों को देखते हुए, ठीक है बच्चों, देखते हुए या उनमें जो है भ्रमण करते हुए फिर वे जो है कहाँ चले गए, सड़क मार्ग से, सड़क मार्ग से योकोहामा चले गए, एवरीवेयर हर जगह हैं, हर जगह हैं, बहुत इन चाइना एंड जापान, यानी चीन तथा जापान दोनों में। देखो बच्चों इनका प्रयोग हो रहा चाइना के पहले जापान के पहले नहीं हो रहा, लेकिन बच्चों ये कॉमन फैक्टर है अर्थात ये दोनों के साथ माना जाएगा, बहुत इन जापान, बहुत इन चाइना एंड इन जापान, बहुत इन चाइना एंड इन जापान अर्थात हर जगह चीन तथा जापान में। His attention was attracted, उनका ध्यान आकर्षित हुआ, लोगों ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया पर उन्होंने वो लोगों की ओर ध्यान दिया। His attention was attracted, his concentration was attracted, अर्थात उनका ध्यान जो है आकर्षित हुआ किसकी तरफ, by all, उन तमाम चीजों की तरफ, that might confirm, जो कन्फर्म कर सकती थी, जो पुष्ट कर सकती थी, his hypothesis, यानी उनकी परिकल्पना को, ठीक है बच्चों। उसके बाद में लगाओ कोमा, और ये हिपोथेसिस में HIS हिज जुड़ा हुआ है ना, इसको क्या करना बच्चों, हेज का बटन दबा करके इसको में स्पेस देनी है, इसको थोड़ा अलग करना है, क्लियर हो गया है। तो एवरीवेयर माने हर जगह, बहुत इन चाइना एंड इन जापान, चीन तथा जापान दोनों ही देशों में, हिज अटेंशन वाज अट्रैक्टेड बाय ऑल दैट, उनका ध्यान उन तमाम चीजों की ओर आकृष्ट हुआ, दैट माइट कन्फर्म हिज हाइपोथेसिस, जो उनकी परिकल्पना को, उनकी इमेजिनेशन को पुष्ट कर सकती थी, हिज कन्विक्शन और उनके विश्वास की पुष्टि कर सकती थी, लाइक, लाइक का मतलब होता है इक्वली, इक्वली का मतलब समान रूप से है ना, ऑफ द रिलीजियस इन्फ्लुएंस, ऑफ द रिलीजियस इन्फ्लुएंस का मतलब होता है अबाउट द रिलीजियस इन्फ्लुएंस, यानी जो धार्मिक प्रभाव है उसके बारे में, ऑफ एंशियंट इंडिया यानी प्राचीन भारत के धार्मिक प्रभाव के बारे में, ओवर द एम्पायर ऑफ द फार ईस्ट, ओवर द एम्पायर्स ऑफ द फार ईस्ट, यानी जो सुदूर पूर्व के साम्राज्य हैं उन सुदूर पूर्व के साम्राज्यों के ऊपर प्राचीन भारत का जो धार्मिक प्रभाव है उसके बारे में जो उनकी परिकल्पना या उनका जो विश्वास है
उसकी समान समान उसकी बराबर बराबर जो है पुष्टि कर सकने वाली उन तमाम चीज़ों की तरफ उनका ध्यान आकर्षित हुआ। एंड ऑफ द स्पिरिचुअल यूनिटी ऑफ एशिया, और बच्चों जो एशिया की स्पिरिचुअल यूनिटी अर्थात जो आध्यात्मिक एकता है, उस एकता के बारे में उनका जो हाइपोथेसिस और उनका कन्विक्शन था, अर्थात उनकी परिकल्पना और उनका जो विश्वास था, उसको कन्फर्म कर सकने वाली उन तमाम चीज़ों की तरफ उनका ध्यान हर जगह आकर्षित हुआ। तात्पर्य बच्चों ये है कि मैं ठीक ठीक नहीं बता सकता हूँ क्लास कौन सी है, पर जहाँ तक मेरा ख्याल है आई एम टॉकिंग अबाउट क्लास 8, मैं कक्षा 8 की बात कर रहा हूँ। कक्षा 8 में बच्चों जो सामाजिक में जो पाठ चलता है, उस पहले पाठ का नाम है वृहद भारत। तो वृहद भारत में क्या होता है कि हमारा भारत कंबोडिया, जावा, सुमात्रा है ना, और मलेशिया, इंडोनेशिया, उन तक भी हमारे देश का क्या था, हमारे देश जो उसका प्रभाव वहाँ तक भी था। बोरोबुदूर का मंदिर है ना, बोरोबुदूर वो उसके अंदर आता है उस पाठ में। तो वो पाठ आप देखना, मैं उस पाठ के बारे में ये बताना चाह रहा हूँ कि विवेकानंद जो है उस बात को जानते थे, जानता तो मैं भी हूँ और जान तो तुम भी जाओगे कि हमारा जो देश है, एक तो भारत है, एक वृहद भारत, वृहद का मतलब बुड्ढा भारत है, वृहद, वृहद का मतलब जानते हो मेजर, मेजर इंडिया है ना। देखो ये शब्द है बच्चों, वृह है और द, क्लियर है। तो जब वृहद भारत की बात आती है, भारत बच्चों जो आप देख रहे हो ऐसे करके इतना ही नहीं है, ये इस एरिया में बहुत अधिक कहाँ तक गया हुआ है, ये दूर बच्चों अगर आप जाते हो, सुदूर बोलते हैं आप उसको, फार ईस्ट, फार ईस्ट का मतलब सुदूर पूर्व में अगर आप जाते हो तो इंडोनेशिया, मलेशिया, जावा, सुमात्रा, बोर्डियो, बाली है ना, ये इधर क्या है कि ये बच्चों द्वीप हैं, है ना, आइलैंड्स हैं ये, और इन आइलैंड्स के अंदर क्या है कि भारत का प्रभाव था, इस बात का पता वहाँ पर जो मंदिर बने हुए हैं है ना, तो उनको देख करके हमको लगता है कि हमारा हमारी संस्कृति का वहाँ प्रभाव है। कहते हैं कि वो मुस्लिम देश है कुछ, लेकिन वहाँ पर आज भी रामलीलाएँ वगैरह जो है वो आयोजित की जाती हैं, और हमारे भगवान बुद्ध जो हैं उनके भी वहाँ मंदिर देखने को मिलते हैं। तो एक तो बोरोबुदूर बताया मैंने, और एक और भी एक दो नाम और ऐसे हैं जो मेरे दिमाग में थोड़ी दिखा रहे हैं, वो है भटार गुरु। देखो बच्चों क्या शब्द बोला मैंने, भटार गुरु, भटार गुरु बोलते हैं, भटार गुरु का कोई बहुत बड़ा मंदिर है वहाँ पर। तो मैं आपको सामाजिक पढ़ा भी नहीं रहा हूँ, और सामाजिक मैं इतनी जनता भी नहीं हूँ, पर जितना मुझे पता है उतना मैं आपको मेरे इस ज्ञान से आपको अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो विवेकानंद के मन में ये कॉन्सेप्ट था वृहद भारत के बारे में। तो बच्चों जब वो इधर गए पूर्वी देशों में, जापान इधर ही तो है, नक्शा देखोगे तो आप क्या देखोगे, वो जापान पूर्व में इधर ही तो पड़ेगा, और किधर पड़ेगा, तो जापान, चाइना, उधर जब वो गए तो उन्होंने क्या किया बच्चों, उनके मन में जो हाइपोथेसिस था, उनके मन में जो कन्विक्शन था, किसको लेकर, वृहद भारत को लेकर। तो वृहद भारत को लेकर के उनके मन में जो परिकल्पना थी, जो अवधारणा थी, जो विश्वास था, उन तमाम बातों की पुष्टि करने वाले तमाम कारकों ने उनके ध्यान को आकर्षित किया। उनका ऐसा मानना था कि भारत जो एंशियंट इंडिया का रिलीजियस इन्फ्लुएंस था यहाँ पर, प्राचीन भारत का धार्मिक प्रभाव था यहाँ पर, और प्राचीन भारत का जो स्पिरिचुअल यूनिटी ऑफ एशिया, पूरे एशिया के अंदर क्या था बच्चों, एक आध्यात्मिक एकता थी। यानी यहाँ भी बुद्ध था, यहाँ भी बुद्ध था, यानी पूरे एशिया में बुद्ध था। तो बुद्ध का मतलब आध्यात्मिकता है, बुद्ध का मतलब क्या बच्चों, हम उसको लाइट ऑफ एशिया कहते हैं, और बुद्धा द लाइट ऑफ एशिया, हमारे बुद्ध कौन है, एशिया का प्रकाश है। तो पूरे एशिया के अंदर जो आध्यात्मिक एकता है, तथा प्राचीन भारत का जो धार्मिक असर या धार्मिक प्रभाव इस पूर्वी क्षेत्र के ऊपर भी फैला हुआ था, इस बारे में उनके मन में क्या था, एक हाइपोथेसिस था, उनके मन में एक कन्विक्शन था, एक परिकल्पना थी और एक दृढ़ विश्वास था। और इन तमाम बातों की पुष्टि करने के लिए जो कारक थे उन्हें वो देख रहे थे। क्या ऐसी कौन कौन सी बातें थी जिनसे उनको लग रहा था कि हाँ ये सच है कि वृहद भारत यहां तक था, भारत तो भारत माता का आंचल जो है यहाँ तक फैला हुआ था, है ना। तो मतलब क्या कहते हैं, हिंदू कुश से लेकर के हिंदू कुश से है ना, वो सारी बातें हैं। तो बच्चों पहले मैं एक बार लूंगा 2 मिनट का ब्रेक, और उसके बाद में आपसे मैं जो बाकी बात है वो करूंगा।
तो बच्चों वो मैं बात बता रहा था आप लोगों को वरीयधिक भारत के बारे में। तो बच्चों मैं एक कविता के माध्यम से आपको अपनी बात क्लियर कर रहा हूँ, हालांकि मुझे उसका विवाह ठीक ठीक ढंग से नाम याद नहीं है, पर कविता की पंक्तियां कुछ ऐसी है जो व्रत भारत का चित्रण करती है। जरा सुनना। जिस धरती का चरणामृति राम सेतु का सृजन करे, जिस धरती का चरणामृति, जिस धरती का चरणामृति राम सेतु का सृजन करे। तो बच्चों आप जानते हो भगवान श्री राम ये लंका है, और ये बीच में जो जलसंधि है उसको हम बोलते हैं पाक की जलसंधि, पाक वाटर स्ट्रेट, अंग्रेजी में जरा देखना PALK, पाक, और ये हो गया वाटर, और एक शब्द है STRAIT, पाक वाटर स्ट्रेट, यानी पाक जलसंधि है ये। तो ये पाक जलसंधि है बच्चों, यहाँ क्या है कि समझ गए, भगवान रामचंद्र ने पुल बनाया था, और वो कहाँ गए थे, वो रावण के पास में जो युद्ध लड़ने के लिए, और सीता को किडनैप किया था उन्होंने उसको छुड़ाने के लिए। क्लियर। जिस धरती का चरणामृति राम सेतु का सृजन करे, और अम्बरीश की प्रथम किरण ही हर दिन जिसका हवन करे। सूरज की पहली किरण आकर के सबसे पहले क्या है कि भारत का जो हिमालय का चरण है, हिमालय के चरण उन्हीं में आकर के जो है अपनी किरणों का पहला अर्घ्य चढ़ाती हैं। तो जिस धरती का चरणामृति राम सेतु का सृजन करे, अम्बरीश की प्रथम किरण ही हर दिन जिसका हवन करे, शिव शंकर जिसके माथे पर अमरनाथ बन शोभित हो। अमरनाथ बच्चों आप जानते हो इधर है जम्मू वगैरह में, तो वो अमरनाथ है। तो शिव शंकर जिसके माथे पर अमरनाथ बन शोभित है, और जिसकी विस्तारित परिसीमा शिव पुराण में वर्णित है। सिंध बंग के लाश कभी इस भारत माँ का वैभव था। सिंध बंग समझ गए, ये बंगाल, ये सिंध, सिंध बंग के लाश कभी इस भारत माँ का वैभव था, और तक्षशिला का वो गुरुकुल भी इसी धरा का गौरव था। तक्षशिला में आप जानते हो चाणक्य, और आप जानते हो चंद्रगुप्त मौर्य। तो गांधार से ब्रह्म देश तक भगवा ध्वज फहराता था। ये गांधार बच्चों, ये इधर ब्रह्म देश का ब्रह्मा और उमा की तरफ है, ब्रह्मा है ना, तो गांधार से लेकर के ब्रह्म देश तक भगवा ध्वज फहराता था, तब जाकर बलिदानी भारत विश्वगुरु कहलाता था, विश्वगुरु कहलाता था। और संत विवेकानंद हमारी धर्म ध्वजा फहराता था, संत विवेकानंद हमारी धर्म ध्वजा फहराता था। पूरे संसार के अंदर जाकर के जो संत विवेकानंद हैं उन्होंने हमारी धर्म की ध्वजा को फहराया। तो बच्चों आप समझ गए मैं व्रत भारत की बात कर रहा हूँ, वरियत भारत की बात कर रहा हूँ आपके सामने। तो आप जरा ध्यान देना, हम आ गए थे यहाँ तक, यहाँ तक वो चले गए। अब बच्चों में आगे वाली पंक्ति आपको बता रहा हूँ, ध्यान दो। एट द सेम टाइम, इसका मतलब होता है बच्चों इवन देन, इवन देन का मतलब होता है और उसी समय। एट द सेम टाइम को बच्चों कहते हैं हम साइमल्टेनियसली। ये शब्द भी आपको याद होना चाहिए, परीक्षा में आता, देखना SIMULTANEOUS, ये बच्चों एडजेक्टिव है। कैसे पता चला, अंत में OUS आ रहा है, और जब मैं इसमें LY जोड़ूंगा तो ये एडवर्ब बनेगा, क्योंकि बच्चों आप जानते हो कि एडजेक्टिव में जब LY जोड़ा जाता है तो हमेशा एडवर्ब बनता है। क्लियर हो गया। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एट द सेम टाइम, यानी ठीक उसी समय। एक समय में जब दो काम होते हैं तो आप उसको साइमल्टेनियसली कहते हैं। ये स्पेलिंग बच्चों अच्छे से दिमाग में बैठाइए, इसका मीनिंग क्या होता है, एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम। तो बच्चों एट द सेम टाइम मानी साइमल्टेनियसली, और साथ ही साथ पता क्या हो रहा था, एट द सेम टाइम द थॉट ऑफ द इल्स, थॉट का मतलब होता है बच्चों विचार, और उसी वक्त एक विचार आया, और उस विचार ने क्या किया, और विचार किसके बारे में था, ऑफ द इल्स, उन विपत्तियों के बारे में विचार। आपको पता ही हमारा हिंदुस्तान है ना बच्चों, इस पर कितनी विपत्तियां आई है, इसके ऊपर तो आपको पता बहुत जुल्म हुए हैं, बहुत सारे जुल्म हुए हैं इसके ऊपर। कभी अंग्रेजों ने इसका शोषण किया है ना, कभी इसका जमींदारों ने शोषण किया है, आप इस बात को जानते हो। कभी जो है मुगल आए, कभी कौन आए, कभी कौन आए, शक आए, कुषाण आए, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप जानते हो कि एट द सेम टाइम द थॉट ऑफ द इल्स फ्रॉम विच इस कंट्री वॉज सफरिंग, तो इस देश के ऊपर बड़े जुल्म हुए हैं। लेकिन जुल्म चाहे कितने भी हुए हों, कितने भी जुल्म हुए हों, लेकिन हमारे देश का दिया इन तूफानों के अंदर भी बुझ नहीं पाया। हमारे देश का दिया जो है इन तूफानों में, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर अब तक नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दोरी जमा हमारा। तो क्या हुआ, इतनी सारी समस्याएं आई और आकर के चली गई, लेकिन इस देश का दिया इन तूफानों के बीच भी जो है ये चिराग जो है बुझ नहीं पाया। इस बात से, इस बात को लेकर के तो मनी मन आशान्वित तथा गौरवान्वित थे, परंतु इस समय इस देश की क्या दशा है। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइम ऑफ 1893 के अंदर बच्चों जब अंग्रेज थे यहाँ पर, हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, हम गुलाम थे दूसरों के, तब हमारे देश में कितनी सफरिंग्स थी, कितने कष्ट थे, लोग कितनी परेशानियों से जूझ रहे थे। वो विचार अचानक उनके मानस में जब आए, उनका मानस उद्वेलित हो उठा। यानी एक तरफ तो उन्होंने उस देश की, उस भारत की, वरियत भारत की मन में उनके चित्र चढ़ रहा था,
कि मेरा देश ऐसा था, मेरा देश वैसा था, यहाँ से लेके वहां तक इस देश का असर था, वो भारत माता का गौरव, उनके उस गौरव से वो गौरवान्वित हो रहे थे, बट एट द सेम टाइम, लेकिन जब वर्तमान तस्वीर उन्होंने देखी तो देखा सोने की चिड़िया ये पंख कतरे जा रहे हैं, ये गोरे, ये क्रूर, ये निर्दयी, अत्याचारी आए थे यहाँ पर और ये मेरे देश को लूट रहे थे, इस प्रकार के ख्याल जब उनके मन में आए तो इन दोहरे विचारों की द्वंद्व में विवेकानंद क्या हो गए, कन्फ्यूज हो गए। वो क्या हो गए, अच्छे अच्छे हो जाते हैं, आप होते तो आप भी कन्फ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो जरा देखो एट द सेम टाइम मानी उसी वक्त क्या हुआ, द थॉट ऑफ द इल्स, या इल यानी बीमार नहीं है, और अगर बीमार होता तो इसमें एस नहीं जुड़ता, क्योंकि बीमार तो विशेषण है और विशेषण में एस जुड़ करके कभी बहुवचन नहीं बनता। अगर बनता तो ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल्स बनता, लेकिन कभी बना है क्या, इंटेलिजेंट का इंटेलिजेंट्स बनता, कभी बना है क्या, टॉल का टॉल्स बनता, नहीं बनता है। तो बच्चों ये इल क्या है, ये नाउन का काम कर रहा है, यहाँ इल का मतलब आप बीमार नहीं, यहाँ इल का मतलब बच्चों कष्टों के बारे में सोचो, किनके बारे में, उन विपत्तियों के बारे में सोचो, डिजास्टर्स। तो उस थॉट ने अर्थात उस विचार ने ऑफ द इल्स, उन विपत्तियों के विचार ने फ्रॉम विच हिज कंट्री वॉज सफरिंग, यानी वो समस्याएं जिनसे कि उसका देश ग्रस्त था, वो परेशानियां जिनसे कि उनका देश जूझ रहा था, पीड़ित हो रहा था, उस विचार ने क्या किया, नेवर लेफ्ट हिम, पल भर के लिए भी उनका साथ नहीं छोड़ा। यानी जहां वो गर्व के झूले में जूझ रहे थे, जहां वो गर्व के झूले में जूझ रहे थे तब भी बच्चों क्या हो रहा था, जहां वो गर्व के झूले में जूझ रहे थे तब भी समस्याएं बेदस्तूर जारी थी, अर्थात तब भी ये जो वर्तमान समस्याएं हैं उनको बार बार कचोट भी रही थी। तो बताइए एक आदमी की उस मनोदशा की कल्पना कीजिए कि एक तरफ तो वो गर्वित हो रहा है और एक तरफ बच्चों क्या हो रहा है, एक तरफ तो वो गर्वित हो रहा है और एक तरफ जो उसको कचोटा जा रहा है, ऐसी पीड़ा जो शोला और शबनम दोनों अपने जिगर के अंदर संजोए विवेकानंद आगे बढ़ रहे हैं एंड द साइट ऑफ द प्रोग्रेस। और बच्चों जब उन्होंने देखा कि जापान क्या है, कुछ नहीं है, इतना सारा सड़ा गला देश था हमारे सामने और ये देश आज इतनी तरक्की कर रहा है, इस प्रकार की जब उन्होंने देखा कि ये देश जो संसार का गुरु हुआ करता था ये गुलामियां कर रहा है, और ये देश जो है कुछ भी नहीं था ये आज तरक्की कर रहा है, दोनों के बीच में तुलना की, बताओ क्या होगा, हीनता की भावना आएगी। लेकिन उनमें नहीं आई, अगर तुम होते तुम्हारे अंदर आती, मुझमें भी आती, क्योंकि हम तो क्या है, हम मानसिक रूप से दुर्बल हैं, लेकिन विवेकानंद मानसिक रूप से दुर्बल नहीं थे। फिर भी उन्होंने जब दोनों दृश्यों की कल्पना की तो मन तो उद्वेलित हो गया, मन तो पीड़ित हो गया। देखो बच्चों एट द साइट ऑफ द प्रोग्रेस, और उस नजारे ने, उस तरक्की के नजारे ने अच्छी उठ भाई, जापान जो जापान के द्वारा हासिल की गई थी, वह तरक्की जो जापान के द्वारा की गई थी के नजारे ने क्या किया, रीओपन द वुंड, उस जख्म को हरा कर दिया। विवेकानंद का जख्म जो है वो हरा हो गया, विवेकानंद के घाव हरे हो गए, अर्थात घाव हरा होना एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है पुराने गमों की याद आ जाना। तो बच्चों जब जापान का नजारा देखा, जापान के अंदर तरक्की का नजारा देखा, तो उन्होंने देखा कि ये देश जो संसार को जो है बांटता था ये आज भिखारी बन गया है, हम राजा से रंग हो गए हैं, राजा से हम रंग हो गए, हमारी हालत बड़ी खराब हो गई है, और ये कुछ भी नहीं थे जो आगे बढ़ रहे हैं। तो वो क्या है बच्चों, कश्मकश में है, वो असमंजस में है, वो कन्फ्यूजन में है, कन्फ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, कोई सॉल्यूशन उनको नहीं दिखा। फिर क्या हुआ बच्चों, और अगर सॉल्यूशन मिला तो फिर क्वेश्चन का भी कुछ होता पता नहीं। ही वेंट फ्रॉम योकोहामा टू वैंकूवर, और बच्चों फिर योकोहामा से कहां चले गए, वो वैंकूवर नाम की जगह पर चले गए, और देन से यानी फिर वहां से बाय ट्रेन, फिर ट्रेन के अंदर बैठे। ध्यान दो बच्चों, साधनों के नाम के आगे, यात्रा के साधनों के नाम के आगे बाय लगाना चाहिए, जैसे बाय ट्रेन, बाय बस, है ना, बाय 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 ट्रेन होता है, बाय बस होता है, बाय स्टीमर होता है, बाय शिप होता है, परंतु जब आप चलते हो ऑन फुट, बाय फुट नहीं ऑन फुट कहते हो, जब घोड़े पे बैठ के चलते हो तो ऑन हॉर्स बैक। अपन तो बच्चों इतना ही कहते थे घोड़े पर बैठ के आया, ऐसे तो नहीं बोलते घोड़े की पीठ पे बैठ के आया, पर बच्चों अंग्रेज तो ऐसे बोलते हैं, ऑन हॉर्स नहीं बोलते, वो ऑन हॉर्स बैक बोलते हैं, यानी घोड़े की उस पर बैठ करके आया, ऑन हॉर्स बैक। साइकिल पे आते हैं तो ऑन बाय साइकिल, यहाँ तो क्लियर है, लेकिन जो यात्रा के बड़े साधन है जैसे ट्रेन है तो बाय ट्रेन बोलना चाहिए। टाइम कितना हुआ आपकी घड़ी में, तो आप कहोगे इट इज 4 o'clock इन माई वॉच, ये गलत, क्या बोलना चाहिए, इट इज 4 o'clock बाय माई वॉच, यानी जो घड़ी वगैरह होती है ना इसके आगे बाय का प्रयोग करते हैं हम। क्लियर, इतनी भी समझ में आ गई बात आपकी। तो इवेंट फ्रॉम योकोहामा टू वैंकूवर, अर्थात वो योकोहामा से वैंकूवर चले गए, देन अर्थात वहां से बाय ट्रेन, एंड ट्रेन में बैठ करके ही फाउंड हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को पाया, कहां पाया, टुवर्ड्स द मिडिल ऑफ जुलाई, अर्थात जुलाई के मध्य में उन्होंने अपने आप को पाया, अर्थात लगभग जुलाई माह के मध्य में उन्होंने अपने आप को कहां पाया, इन स्टेट ऑफ बीवाइडरमेंट, अर्थात उन्होंने अपने आप को घबराहट किसी स्थिति में पाया, एट शिकागो, माने शिकागो नाम के शहर में, जुलाई माह के लगभग बीचों बीच, जुलाई माह के लगभग मध्य में जो है ही फाउंड हिमसेल्फ एट द स्टेट ऑफ, स्टेट का मतलब बच्चों यहां राज्य नहीं है, यह स्टेट का मतलब दशा,
उन्होंने अपने आप को कौन सी दशा में पाया, उन्होंने बी वाइडर मेंट अर्थात घबराहट की दशा में पाया, और वो अब कहाँ हैं, वो इस जगह अब कौन सी जगह खड़े हो गए, वो अब वो शिकागो में आकर के खड़े हो गए। स्टेट ऑफ बीवाइडरमेंट का मतलब होता है कंडीशन ऑफ बीवाइडरमेंट। स्टेट जानते हो, एक पदार्थ के कितने स्टेट होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, कहते हैं एक पांचवा और आ रहा है, उसका मुझे नाम पता नहीं, उससे अपडेट नहीं हूं मैं, पर जितना मुझे पता वो मैं बता रहा हूं। साथ में अगर आपसे पूछूं कि द बे ऑफ बंगाल इज इन विच स्टेट, मुझे बताइए बंगाल की खाड़ी कौन से स्टेट में है, तो बच्चों आपका जवाब होना चाहिए लिक्विड, क्योंकि वो स्टेट में नहीं है। उसकी मैंने स्टेट से मेरा तात्पर्य है कि उसकी स्टेट क्या है, वो ठोस नहीं है, वो तो द्रव है, इसलिए आपको कहना क्या चाहिए, लिक्विड कहना चाहिए। तो स्टेट समझ में आ गया, शिकागो में आके खड़े हो गए साहब। द होल वे वो स्ट्रियन विद हिज फेदर्स, पूरा रास्ता पटा पड़ा था, जैसे रास्ता है बच्चों आप जा रहे हो रास्ते में, और रस्ते में जगह जगह कांटे कांटे पड़े हैं, पूरा रास्ता कांटों से ढका पड़ा है, तो उसी प्रकार से उनका पूरा पथ, उनका पूरा मार्ग जो है वो ढका पड़ा था, पटा पड़ा था, किससे, विद हिज फेदर्स। विद हिज फेदर्स का मतलब बच्चों उसके पंखों से, पूरा रास्ता उन्हीं के पंखों से, विवेकानंद के पंखों से पटा पड़ा था। यहाँ पंखों से तात्पर्य क्या है, पूरा रास्ता उनके पंखों से पटा पड़ा था, अर्थात पूरा रास्ता उनके प्रति उपहासपूर्ण बातों से पटा पड़ा था, हर जगह उनका अपमान किया जा रहा था, उनको इंसल्ट किया जा रहा था। He was being insulted everywhere. हर कोई उनकी मजाक उड़ा रहा था कि आया है ये सन्यासी, आया है ना, और इतने वैज्ञानिकों के सामने आया है, ये बोलेगा क्या, खाक बोलेगा, ऐसा वो सोच रहे होंगे। तो बच्चों ये देखो आप, ऐसी स्थिति थी हमारे सन्यासी की, लेकिन फिर भी हमारा सन्यासी कैसा निकला, बहुत ही विशेष निकला। फॉर ही वॉज ए मार्क्ड प्रे, फॉर का मतलब बिकॉज, ही वॉज अ मार्क्ड प्रे का मतलब बिकॉज ही वॉज ए क्लियर विक्टिम, क्योंकि वह क्या था, वह एक स्पष्ट शिकार था, वह एक स्पष्ट शिकार होने वाला था। फॉर द फ्लीसर, फ्लीसर का मतलब होता है बच्चों लुटेरे, ये जो बाज हैं, ये जो लुटेरे हैं, लुटेरे बाज हैं, इनका वो क्या था, उनका वो बिल्कुल एक बिल्कुल स्पष्ट शिकार था, और ये जो लुटेरे थे ये उनकी मजाक बनाना चाहते थे। ही कुड बी सीन, उनको देखा जा सकता था फ्रॉम अल्टार, ही कुड बी सीन फ्रॉम एफआर, एफआर का मतलब था बहुत दूर से उनको देख लिया जाता, आ रहा है वो, आ रहा भारत का भिखारी, ऐसे कह करके उनको संबोधित किया जा रहा था, उनको अपमानित किया जा रहा था। तो बताइए आप कि उनको बहुत दूर से ही, दूर दराज से ही उनको देखा जा सकता था। एट फर्स्ट यानी पहले तो लाइक अ ग्रेट चाइल्ड, यानी एक बहुत बड़े बच्चे की तरह है। ग्रेट का मतलब होता है बच्चों ओल्डरली चाइल्ड, इसमें विरोधाभास है, इसमें पैराडॉक्स है, पैराडॉक्स एंटीथेसिस, एंटीथेसिस का मतलब समझ गए आप, या दो उल्टी बातें कही गई है, क्योंकि ये बच्चा भी है ये बूढ़ा भी है, क्या बूढ़ा बच्चा हो सकता है, तो एक बूढ़े बच्चे की तरह है, एक बड़े बच्चे की तरह है, एक उम्र दराज बच्चे की तरह है। ही वांडर्ड, आई मीन ही विजिटेड, उन्होंने भ्रमण किया, वो भटके। गेजिंग, गेजिंग का मतलब एकटक देखते, एकटक देखते रहे। माउथ अजेब का मतलब मुंह फाड़े, वो भटकते रहे। इन द वर्ल्ड्स फेयर, अर्थात ये जो कहने का मतलब जो सार्वभौमिक प्रदर्शनी है, मेला है, उस मेले में वो घूमे। द यूनिवर्सल एक्सपोजिशन ऑफ शिकागो, यानी जो शिकागो है उसमें सार्वजनिक प्रदर्शनी, यानी जो विश्व मेला है, उस विश्व मेले के अंदर पहले तो उन्होंने भ्रमण किया, है ना, पहले तो उन्होंने भ्रमण किया, और आगे क्या किया, और आगे बच्चों जो भी किया वो हम अगली क्लास में बात करेंगे। इसलिए बच्चों आज की बात यही समाप्त, आगे वाली बात अगली क्लास में। नमस्कार।